बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म में टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले पलक तिवारी ने सलमान से जुड़े हुए कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए और सेट पर लड़कियों के कपड़े पहनने के ढंग को लेकर सलमान की सोच बताई। तो क्या कहा है पलक ने सलमान खान के बारे में, चलिए हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पलक तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान किसी का भाई किसी की जान के सेट पर लड़कियों से पूरे कपड़े पहन कर आने के लिए कहा करते थे। पलक ने कहा, सलमान सर का एक नियम था कि मेरे सेट पर किसी भी लड़की की नेक लाइन नजर नहीं आनी चाहिए, सभी लड़कियां पूरी तरह से ढकी हुई होनी चाहिए, पूरे कपड़े पहन कर आए अच्छी लड़कियों की तरह। पलक ने आगे कहा कि मेरी माँ श्वेता ने जब मुझे शर्ट और जॉगर्स में सेट पर जाते हुए देखा तो पूछा, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हैं? मैंने कहा, सलमान सर के सेट पर जा रही हूँ। उन्होंने कहा, बढ़िया है। पलक तिवारी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं को वो पहनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पहनना चाहती हैं। वो केवल सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, वो परंपरावादी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो पहनना है पहनो, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाली लड़कियों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए और वो सुरक्षित रहें, इसका जिम्मा मेरा है। अगर आसपास ऐसे आदमी होते हैं जिन्हें वो पर्सनली नहीं जानती तो ये उनका पर्सनल स्पेस नहीं है, वो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऐसे में उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि उनके साथ काम करने वाली महिलाएं सेफ फील करें। तो दोस्तों, सलमान खान की ऐसी सोच पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही चटपटी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।